देखिए मलिक साहब, मैं इसीलिए आपको कॉपियाँ दी हैं जो हमने जवाब दावा इनका दिया था, उसमें हमने किसी जगह मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं आपसे जॉब चाह रहा हूँ। मैं तो मुझे तो इन्होंने जो जिस चीज़ का जवाब मांगा था वो था स्क्रिप्ट और केसेट का, वो हमने उसका जवाब दिया है। अगर आप उसको जो मैंने कॉपियाँ दी हैं उसको अगर आप चेक करें, हमने किसी जगह जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया। हाँ, जज साहब ने ज़रूर कहा, जो 2006 में भाट साहब ने कोशिश की थी कि मैं क्रिकेट बोर्ड में सर्व करूं, उसका जिक्र ज़रूर है इस चीज़ में। उन्होंने कहा है कि आप जवाब दें इसका। मैंने किसी जगह इनसे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। अब बात यह है कि ये जवाब हमसे मांग रहे हैं स्क्रिप्ट का और केस्टों का, और ये आप शोशा छोड़ रहे हैं मीडिया पे कि जी ये जॉब NOC मांग रहा है और जॉब मांग रहा है, जो मैंने कभी इनसे पिछले 20 साल से मांगी नहीं, सिवाय भट्ट साहब ने जो मुझे बुला के जॉब देना चाह रहे थे। तो ये तो घुमा रहे हैं चीज़ों को। ये मतलब जिस चीज़ का जवाब मांगा था वो तो हमने दे दिया इनको, और जज साहब ने हमारे हक में फैसला भी कर दिया। तो अब ये किस तरफ चाह रहे हैं, ये क्यों इस तरह अपने प्लेस के साथ इस आपका तरह कर रहे हैं? लायमल क्या होगा आइंदा का? जिस तरह का आया है ऐसे लग रहा है कि आधा स्पीकर आधा बटेरे, कोई समझ नहीं आ रही कि वो फैसला PCB के हक में है, आपका मौका है कि वो आप क्लियर हो गए। आप क्या मुतमिन है इस फैसले से? आप देखें, उन्होंने आपको रिफ्यूज भी कर दिया जो इजाजतनामा देने से, NOC देने से, तो अब आपका लायमल क्या है? देखिए, जो आपने बात की है वो मैं तो ऐसी बात नहीं कर सकता, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने मेरे से जवाब मांगा था, बिल्ला जी, इन्होंने मेरे से जवाब मांगा था स्क्रिप्ट का। पिछले 20 साल से ये एक चीज़ पे इन्होंने रट लगाई हुई थी कि जी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। हमने तो उसका जवाब दे दिया। ICC कहती है ये इसका ये ठीक नहीं है। जज साहब ने जो अभी जज साहब ने कहा ये ठीक नहीं है, इस पे यूज़ नहीं कहीं भी हो सकता। तो अब ये किस चीज़ का अब इनको और मैं जवाब दूँ? अब ये कल को ये किसी और चीज़ को लेके आ जाएंगे। ये मैं आप लोगों को की अदालत में फेंक रहा हूँ ये चीज़, ये बोल आपकी कोर्ट में, आप फैसला करें। अब ये किन किन चीज़ों का इन्होंने मेरे से जवाब मांगना, और कोई है? मैंने तो पिछले उसमें भी कहा था, अगर आपके पास कोई और अगली चीज़ आपने जो लेके आनी है वो ले आए, ताकि एक दफ़ा इसको वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, बजाय कि आप रोज़ एक नई चीज़ ले आती हैं। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया इनका जॉब के लिए, आप उसको पढ़ लें। मलिक साहब, अभी आपको उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया कि हम आपको NOC नहीं जारी कर सकते, तो फिर अब आपका लायमल क्या है? क्या आपको NOC की दरकार था कोई, आप अपनी अगर जाती अकेडमी चलाना चाहते हैं तो? देखें जी, मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अगर नहीं चाहता था, मेरी कोई खिदमत चाहता, तो मुझे बहुत सारी दुनिया में ऐसी क्रिकेट कंट्रीज़ हैं। अभी भी मेरे पास एक ऑफ़र है, मैं अभी अपने वकला को बता रहा था कि वो चाह रहे हैं, जो एसोसिएट मेंबर हैं वो मुझे रखना चाह रहे हैं, मेरे से जो भी मुझे आता है वो चाहते हैं मैं डिलीवर करूं। तो मुझे तो चाहिए होगा ना उसके लिए। मैं अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मैं कहीं जाके तो अपना काम करना चाहता हूँ ना। मैं ये तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मैं कहीं भी नहीं कर सकता। तो अब मैं इसलिए जो है वो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि मैं ताकि जाके कहीं भी अपना काम कर सकूँ। देखे जी, किसी हद तक तो मैं मुतमइन हूँ, क्योंकि देखे जो इन्होंने जिस चीज़ का ये मेरे से जवाब मांग रहे थे वो तो मेरे हक में आया है। वो जज साहब ने कह दिया है कि इसको किसी जगह आप मेरे ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो मैं तो मुतमइन हूँ। अब क्रिकेट बोर्ड अगर उसको कभी पेशावर ले जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कभी वो जिधर मर्जी घुमाता रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं जहाँ तक मेरे से जो जवाब मांगा था वो मैं सेटिस्फाई हूँ। कोचिंग की जॉब के लिए NOC अप्लाई करेंगे PCB को? मैं नहीं करूँगा जी, मैं खुद नहीं करूँगा। इसलिए मलिक साहब के ये देखे ना, ये अभी तक मुझे इस चीज़ पे जो मैंने अभी मांगी नहीं उस पर इतना शोर कर रहे हैं, और अगर मैंने मांग ली तो ये क्या करेंगे? अगर इनको मे भी कोई फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा आए जिसको पाकिस्तान चाहता हो कि मेरी सर्विस लेनी चाहते हैं,
तो मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी जान है, मैं हाजिर हूँ। अभी आप किसको अप्लाई करेंगे अपना NOC लेने के लिए? क्योंकि NOC तो आपको चाहिए, आप दुनिया में कहीं भी क्रिकेट की बात करनी होगी। मलिक साहब किसी जगह पर आपका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है जी, तो आप इस गेम को किसी भी कोर्ट में अगर वो आपका NOC नहीं देगा तो आप कहीं भी जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकेंगे, तो इसके लिए आप किसी भी से रुजू करेंगे या दोबारा किसी अदालत में? देखें, ये तो डिपेंड करता है, मैं इनसे जहाँ से भी मुझे ऑफ़र है मैं इनको दिखाऊंगा। अगर इन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया तो फिर रेमेडी बहुत सी हैं, अदालतें खुली हैं। हम फिर जैसे आपके लॉयर कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वेरिफिकेशन कराई जाए, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, इसके बगैर यानी वेरिफिकेशन बगैर इसको ये प्रूवर नहीं है, यही बात कही है ना उन्होंने। तो इसके मतलब ये आप इस वक्त अगर यही जब तक वो वेरीफाई नहीं करवाते जब तक तो आप क्लियर हैं। देखें, आपके पास NOC तो नहीं है, पिछले 15 साल से आगे जा सकते हैं ना पीछे, पिछले 15 साल से इन्होंने ICC का लेटर छुपा के रखा है। हम उस लेटर को इनसे 15 साल से मांग रहे हैं, हमें ICC का, आप ही के यहाँ मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ओरिजिनल लेटर नहीं दिखा रहे, तो अगर इन्होंने 15 साल उसमें लगा दिए तो अब मेरी इतनी एज तो नहीं है कि मैं बाबा आदम के अलैहिस्सलाम के ज़माने का, तो उनके 900 साल मेरी ज़िंदगी है, कि ये 15-20 साल और लगा देंगे तो मैं क्या करूँगा। बात ये नहीं समझे आप कि ना आप आगे जा सकते हैं ना भाई, वेरिफिकेशन जब तक नहीं होती यहाँ ना उन्होंने NOC देना आपको। देखें, ये मैं मेरा पॉइंट ये देखें, मेरी जब जहाँ से भी मुझे ऑफ़र है वो मैं इनको दिखाऊंगा, अगर ये नहीं देंगे तो फिर उसके बाद फिर वो जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। देखें, वो इन्होंने ये शोर मचाया था कि ये हमसे जॉब मांग रही है, अगर आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं इनसे जॉब मांग रहा हूँ, जबकि मैंने कहा है कि मैंने अपने जवाब में कभी भी किसी जगह जॉब नहीं मांगी इनसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे बाहर से कहीं से ऑफ़र होती है तो उसके लिए तो फिर क्रिकेट बोर्ड से रابطہ करना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर रेमेडी। फैसले के बाद आप कब तक PCB से दोबारा रابطہ करेंगे? जल्दी करेंगे जी। को आप मुझे बता दें कि कौन सा रवैया है जो मैं अपनाऊं तो ये खुश वाला हो जाए। जो कर रहे हैं ये। मुझे बता दें, मेरे आज ये आप सब दोस्त हैं यहाँ, बहुत पुराने पुराने आप ऐलान करने से मेरा रवैया बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ख्याल है मुझे पुलिस स्टेशन जाके वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो उनको दिखाना पड़ेगा जो होता है, उसके अलावा तो मेरा ख्याल सब जो आपने बात की है ये बिल्कुल नेचुरल यही चीज़ है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट सलीम मलिक को चाहिए, जो 20 साल आप मैच फिक्सिंग का एलिगेशन आता रहा, मैं तो बोर्ड भी नहीं रहा, तो क्या आपको फर्दर जिंदगी गुजारने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जो ये नहीं देना चाहते? ये असल बात है, इन्होंने जो बाकियों को जॉब दी हुई है 9-10 लोगों को, क्या उनसे इन्होंने क्रिकेट सर्टिफिकेट मांगा था? उन्होंने तो जुर्माने भी नहीं पे किए हुए, मुझे तो कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, और मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनसे तो इन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी। सामने देखिए, आपने कभी उनसे पूछा कि आपने इनसे सर्टिफिकेट लिया है? हमेशा आप लोग माफ़ी के साथ, सारे जर्नलिस्ट हैं, हमेशा मेरे ख़िलाफ़, मैं बार बार आपको आके यहाँ कहता था मेरा लाइफ बैन नहीं है, फिर दूसरे दिन रात को TV पे प्रोग्राम होता था बैठ के कि लाइफ बैन, इसको तो माफ़ नहीं करना चाहिए, मतलब जो फोल 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 भगते थे, मगर बात कर रहा हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल से ऑब्वियसली देखें जी, मेरे हक में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आई हुई है, बाकी अभी भी जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ मेरे हक में है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा उनको, जहाँ ज़रूरत पेश आएगी मैं दिखाऊंगा। और अगर देखें, PCB ने एक ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते इनकी इजाज़त के बगैर, कोई भी प्लेयर आप देखें किसी लीग में जा के नहीं खेल सकता, क्योंकि इनकी इजाज़त की ज़रूरत है, इन्होंने जो अभी चीज की है टूर्नामेंट आप नहीं करवा सकते उनकी इजाज़त के बगैर, तो इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। देखें, कोर्ट ही है ना जी जिसके थ्रू आप ले सकते हैं, अगर ये नहीं करें